तो अभी चलते हैं वो घाट। तो है गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं खापरेल, बोट लगी हुई है और बट गाइस देख रहा हूँ। ओके देखो तो है एवरीवन, नमस्ते, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम है दुधिया ब्रिज में और हम लोग जा रहे हैं गो कार्टिंग खेलने के लिए। पहला और फर्स्ट एक्सपीरियंस मैंने कभी लाइफ में नहीं किया है, वो भी मतलब उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है, सेफ्टी है, लेकिन कभी किया नहीं है, वही बोल रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ किया नहीं है यार, ऐसा नहीं है कि वो खाली किया नहीं, मैंने बहुत कुछ किया नहीं है। तो अभी जाएंगे तो यार मैं तो अभी चलते हैं गो कार्टिंग, मज़ा आएगा। आज पहला एक्सपीरियंस खापरेल MS। तो यहाँ पे होती है गो कार्टिंग। ओके यहाँ पे बोट पड़ी, बोट लगी हुई है अल्बर्ट विक्का सैनिक इंस्टीट्यूट गो कार्टिंग। तो ये एरिया कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ से हम लोग अभी अंदर जाएंगे, टिकट काटेंगे, उसके बाद गो कार्टिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अंदर अलग अलग एक्टिविटीज होती है। यहाँ पे है यहाँ चला हूँ यहाँ ये हो पता सा ठीक यहाँ वो यहाँ चला वो चेयर लगा कटे हूँ ऐसा गो कार्टिंग भाई मैंने लाइफ में कभी किया नहीं। हाँ क्या रे पूल खेल दी। यहाँ पे टिकट काउंटर निकला है।
भैया कितना है टिकट का पर राउंड? एक राउंड का ओके अच्छा ओके ठीक है। मतलब करने के बाद पे करना है या ऐसा? हाँ, करने के बाद पे करना है। टोकन दे के जाओ। ओके टोकन दे दीजिए। नंबर 1 चल रहा है और 5 नंबर आपका है। ओके मेरे को नहीं सेवा है। 2 नंबर, 2 लोग। हाँ 2 लोग। 5 नंबर बोले तो आप दे दीजिए। ठीक है थैंक यू। चलो भाई तो इनका मतलब सिस्टम कैसा है पता है? जितने आप पर राउंड 50 रुपये हैं, जितने राउंड मारोगे उतना ही पैसा लगेगा, तो लास्ट में पे करना हम लोगों को। हेलमेट कहाँ रखूँ मऊ? हेलमेट लगा जाने हो कि क्या हो? ओ हेलमेट तो आप अपने बोकर आक जैसे सब हाँ। तो हमारी बारी है 5 नंबर, 5 नंबर है तो लोगों की चल रही है यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे इन लोगों की चल रही है तो जब हमारी नंबर आएगी वो लोग बुलाएंगे उसके बाद जाएंगे। ब्रो धीरज में धीरज ही नहीं है। ये हुआ था भूकंप में 18 सितंबर 2011। हेलमेट लगा के आइए सर। आओ हेलमेट लगाओ। कैसे नाम भूकंप का ही रख दिया। एक्सीडेंट हो गई यार। सर देखो एक्सीडेंट हो गई। हो दिया एक्सीडेंट। तो भाई फाइनली हमारी बारी आ चुकी है। गार्डिंग खेल लिया हमने, बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं अंदर, लाइब्रेरी वो भी थोड़ी सी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे कुछ ऐसी लाइब्रेरीज है ओके। तो आई थिंक ये सब फ्री है, पूरा फ्री है ये। क्या क्या है यहाँ पे? इंग्लिश फिक्शनरी बायोग्राफी सेल्फ हेल्प पूरा शॉर्ट में लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक ये है कुछ खाने पीने की जगह होगी। टीवी भी है यहाँ पे। यू सॉ कुन यू सॉक कर यहाँ लिखी था ऐसे तो ये व्हाट इज दिस यू डोंट नो हाउ आई नो बट हाउ टू प्ले आई नीड टू से दिस यो हो यो हेर एउटा बल हुन्छ हैन एउटा बल हुन्छ दुईजना बस्छ दुईजना चारजना बस्दैन हुन्छ हैन यो पहिलो आफ्नो लिने हो अन्त गोल गर्ने हो यहाँ आफूले एउटा गोल रोक्नु पऱ्यो यहाँ यसो यसले गोल यता गर्ने हो यसले गोल यता गर्ने फुटबलको जस्तै हो। तो यहाँ पे ऐसी एक्टिभिटिज है ओके। यहाँ पे यो टेबल टेनिस यो पकडायो पक्रिन सक्छौ यो यहीँबाट मलाई पनि आउँदैन नि यो खेल्नु कहिले खेलेको छुइनँ मैले कभी खेलिनँ लो ओके लेट्स प्ले नहीं आती है भाई मैंने खेला ही नहीं है भाई कभी नहीं। चलो वन मोर टाइम यसो यहाँ यहाँ टेबलमा यसो गरेर गर न
टेबल में इसको करे इसको करा ना हाँ भाई ये तो बैडमिंटन खेल रही है टेबल टेनिस खेलना है भाई ऐसे ऐसे ये लो ल यहाँ यहाँ मेरो भिडियो गरेर म बताउँछु यहाँ हेर्नु ल इसको यहाँ पे ऐसे मारनी है थोड़ा सा हवा भी लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे ऐसे मारनी है ओ हु विल पिक अप आई विल पिक अप तो ऐसे खेली जाती है इनफ इनफ टू तो बेसिकली हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो जाके कहाँ पे टच होगी बट दिस इज फर्स्ट टाइम रॉ इज Without opponent, his place. Wow, भाई ये क्या जगह है यार. Wow, 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 wow. मजा आ गया भाई. हाँ हाँ. ये पूरा सा पूरा ना आर्मी एरिया है यहाँ पे ये आर्मी के क्वार्टर से पूरे और यहाँ पे ये पूरा गो कार्टिंग का ट्रैक है यहाँ से लेके यहाँ तक गो कार्टिंग का ट्रैक है सामने रोड है गाड़ियाँ चल रही है वहाँ पे सामने कुछ खाने के लिए कुछ बनी हुई है मतलब कॉफ़ी वॉफी कुछ भी पी सकते हैं वहाँ पे जाके तो बहुत ही हैपनिंग सी जगह है ये भी एक फ़ोटो पोज के लिए रेडी है हाँ तो यार सब कुछ कर लिया जो बचपन में जो भी बचा हुआ बचा कुचा था ना बचपन में जो भी बचा कुचा था ऐसा लग रहा है कि अब मैं वो पूरा शौक पूरा कर रहा हूँ हाँ धीरे धीरे हो रहा है लेकिन बहुत मज़ा आया यार पहली बार था बहुत मज़ा आया हाँ क्या बोलना चाहती हो जी कुछ भी नहीं यू आर जस्ट हैप्पी आई एम हैप्पी इन दैट नहीं हेलमेट तो लगा रखी नहीं तुमने तो बहुत मज़ा आया इसी के साथ मेरे ख्याल से आज का इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं यहीं तक था आज का जो भी था तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक और कमेंट भी लिख सकते हो जो भी आपको पसंद है जो भी आपको कुछ भी मतलब कुछ भी ओके मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले एपिसोड में थैंक यू एंड बाय बाय